वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाइम 25। इन दिस वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई शैडो पैलेट है जो कि स्टे क्वालिटी का है। उसका मैं आपके साथ फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये जो है एक शुगर पैलेट का कॉपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फॉर्म इसमें होता है इसकी, इसलिए लॉक हो जाता है। और इसमें जो है चार शेड होते हैं। और ऐसे ये वैसे तो कहा जाए तो ये सारे जो है सिमरी शेड हैं। और पिगमेंटेशन की बात करूँ तो काफ़ी कमाल की इसकी पिगमेंटेशन है। तो मैं इसके आपको हैंड स्वेचेस दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं ये जो इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी कमाल की है। और इसे मैंने बाय किया था purple.com से। अगर आपको भी इस तरह का पैलेट अगर आपको भी चाहिए तो आप भी बाय कर सकते हैं purple.com से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका मैं आज के साथ फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए और काफ़ी यूज़फुल भी हो सकती है। तो वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियो से पहले नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या है मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से क्या हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस तरह से वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें 4 सेट अवेलेबल है। और ट्रांजेक्शन सेट के लिए मैंने जो है सबसे पहले लिया है यहाँ पे जो वाइट क्रीम कलर है वो मैंने अप्लाई किया है अपने क्रीज लाइन पे। और इनर कॉर्नर से पूरे आउटर वी तक मैंने अप्लाई किया जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों आई पे। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगी गाइस, अगर आप आई मेकअप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप सबसे पहले जो है आई मेकअप करने से पहले जो है आई प्राइमर जो इस्तेमाल कर लीजिए। एक्सेल में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। अगर नहीं है आपके पास तो आप अपने कॉम्पैक्ट की हेल्प से भी वहाँ पे मैट लुक देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ग्रे ब्लैक कलर है जो सिमरी शेड है वो मैंने अप्लाई किया है पूरा आईलिड पर। मैंने यहाँ पे इस पैलेट के साथ ही बस मेकअप अप्लाई किया है, सॉरी मैंने जो आई मेकअप किया जैसे कि आप देख सकते हैं। एक ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे तरह से ब्लेंड आउट कर लिया है। अगर आप ब्लैक कलर लेते हैं आई शेडो के लिए तो उस पर क्या थोड़ा ध्यान देना होता है कि कहीं से ब्रेकआउट ना हो जाए। आई मेकअप पे सबसे बेस्ट पार्ट होता है ब्लेंडेबिलिटी। तो अगर आप आई मेकअप करते हैं तो ब्लेंडेबिलिटी पे पूरा फोकस करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है एक आई पे पहले अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा जो है दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरह से ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने जो पिंक शेड है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है अपने आउटर वी पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अगर आप को ब्रश से क्या है अगर अच्छी पिगमेंटेशन नहीं मिलती है तो आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन सेम ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प से जो है दोबारा से अप्लाई कर लिया है पिगमेंटेशन के लिए। और देन अगेन मैंने सेम ब्रश से जो है इनर कॉर्नर को ध्यान में रखते हुए सॉरी जो है आउटर वी पे ध्यान में रखते हुए मैंने जो है दोबारा से अप्लाई कर लिया है। देन अगेन सेम ब्रश से जो पहले जो मैंने अप्लाई किया था उस ब्रश से फिर अब जो है ब्लेंड कर लिया है। देख सकते हैं अगेन मैंने जो है ब्लेंड कर लिया है ग्रे कलर को मिक्स करते हुए। आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैंने लिया है NYB का जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इजी मिल जाता है purple.com में। और इसका इसकी जो टेक्सचर की बात करूँ या पिगमेंटेशन की बात करूँ तो काफ़ी जेट ब्लैक कलर है और बिगिनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसकी जो टिप है इससे क्या है आप चाहें तो इजली जो है विंग ड्रॉ कर सकते हैं, विंग लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ कोई सिंपल सा क्रिएट किया है जो आईलाइनर है।
आपको जैसे रिक्वायर है उस रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देन अगेन मैंने जो यहाँ पे लिप के लिए लिया है 9 to 5 का जो लैक्मे का लिपस्टिक है वो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे न्यूड शेड। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी आपको लिंक, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। यहाँ पे एक में मैंने जो है काजल अप्लाई नहीं किया था, देन अगेन मुझे लगा कि काजल अप्लाई कर लेना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है नेक्स्ट स्टेप पे मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है ऑफ कैमरा। आप बताइएगा काजल की अच्छी लग रही है बिना काजल के, कमेंट बॉक्स के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक, आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।